गेंदबाज का नाम बताए। प्रहलाद शैलेश और अकबर सुमरा नमस्ते पे दोनों की जोड़ी क्रीज पे। आसान सा रहेगा नहीं ये, अच्छा मुकाबला आज की लहर का, ये दूसरा मुकाबला बेहतरीन अच्छा तगड़ा मुकाबला। शैलेश और अकबर की जोड़ी यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि बल्लेबाज के लिए पहुंची है चामुंडा इलेवन लुद्रा। पहले गेंदबाजी की काफी धुलाई की है यहाँ पर चामुंडा इलेवन लुद्रा के गेंदबाजों की देखा जाए तो। प्रहलाद गेंदबाजी में पहली ओवर डालने के लिए पहुंचे प्रहलाद, राइट डर्म औद्योगिक गेंदबाजी के लिए। कमाल का मुकाबला आज की नाइट का ये। शैलेश्वर अकबर की जोड़ी यहां पर पहली गेंद और मैच स्टार्ट। पहली गेंद हवाई फायर करने का प्रयास, पहले गेंद पे यहां पर चौका बटोरा है, कमाल का शॉट इस बार। और देखिए तो उत्साह बढ़ाते हुए यहां पर लुद्रा इलेवन का, जो कि प्रेक्षकों से पूरा खेमा भरा हुआ है, चारों तरफ लुद्रा छाया हुआ दिख रहा है आज तो, मानो की शटरिये में लटक लटक के आए हैं। और उनके कोच जो कि यहां पर है काफी उत्साहित रहेंगे। ये दूसरा गेंद उड़ाया फिर से एक बार हवा में गेंद, और फील्डर रोकने का प्रयास करेंगे, रोकने में जरूर यहां पर सफल हो गए फील्डर। सिंगल से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और सिंगल के साथ टीम का स्कोर नंबर 5 पे 5 पे। दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं अकबर और शैलेश, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं दोनों के दोनों। फिलहाल अभी अच्छी बैटिंग लाइनअप है उनके पास। इस बार उड़ाया हवा में गेंद और शायद हाथों में दे बैठेंगे गेंद, पहले विकेट का पतन यहां पर। अकबर सुमरा की फ्लाइट वापस यहां से, पूरा डगआउट यहां पर लुद्रा इलेवन के प्रेक्षकों से भरा हुआ, चारों खाने चीप यहां पर लुद्रा के, जो कि पहले विकेट का पतन हुआ यहां से। आज राष्ट्रीय शायर जवेद चंद्र मेघानी जी की पुण्यतिथि, और इस पुण्यतिथि पे उनका योगदान है जो साहित्य में, उनकी कदर करनी चाहिए, सत सत नमन है उनको। और डायमंड वाली लाइफ हम लुद्रा यहाँ पर पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। अब आसान सा रहेगा नहीं गेंदबाजों के लिए, अगर ये टीक गए तो शायद पूरा मैच अपने पक्ष में लेके जाएंगे। पहली गेंद यहाँ पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे यहाँ पर डायमंड वाली के द्वारा, वाइड का इशारा निश्चित तौर से, अवसर से काफी बाहर गेंद। जब भी डायमंड यहां पर पहुंचते हैं तो खूबसूरती से बल्लेबाजी करते हैं, कई दफा देखा है मैंने, और मेरी पहली कॉमेंट्री की शुरुआत इस डायमंड वाले की लाजवाब बल्लेबाजी से हुई थी। वाइड का इशारा निश्चित तौर से, अवसर से बाहर गेंद। राधरपुर में खेलने के लिए गए थे और ना गेंदे थी और ना कॉमेंटर था, वहां से थामा था इसका हाथ और आज तक चल रहा है, जो कि दिया इसने मेरा साथ। बद के साथ कुछ परिवर्तन जरूरी है। इस बार कट करने का प्रयास, हल्की सी अपील दबाव डालने का प्रयास की ना एम्पायर दोनों चौक करने, छेड़छाड़ी की नहीं इस गेंद से डायमंड बाली ने, क्योंकि बाल बाल बच्चे जरूर है यहां से। अच्छी गेंद, इतनी बुरी गेंद थी नहीं, कमाल की गेंदबाजी यहां पर। रिवर्स होके खेलने का प्रयास, उठाने का प्रयास चूके, कमाल का शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्लेबाजी यहां पर अभी देखा जाए तो थोड़ी सी जकड़ी हुई। अच्छी गेंदबाजी मानूंगा, कंजूसाई भरी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यहां से। इस बार अच्छा शॉट आ रहा, शायद गैप ढूंढने में सफल, ये जाएगा चौका, और की समाप्ति इस चौके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 11 पे। एक और 11 रन 11 पे यहाँ पर टीम का स्कोर बोर्ड, डायमंड माले और शैलेश लुद्रा की जोड़ी क्रीज पे।
ભઈ ઝડપી કરજો માર ભાઈઓ, ઝડપી રાખજો થોડું, આના પછી ત્રણ મેચો છે એટલે ઝડપી રાખજો. गेंदबाज का नाम बताए, कोरस पहुंचे गेंदबाजी के लिए, राइट टर्म अधिक गेंदबाजी कट करने का प्रयास जरूर. अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, काफी अनुभव के साथ यहां पर गेंदबाजी करने के लिए पहुंचे. बेहतरीन गेंदबाज है सुखी शैली सोरा, डायमंड वाले की जोड़ी क्रीज पे, लेकिन दबाव डालने का प्रयास करेंगे गेंदबाज पूरी तरीके से. इस बार उड़ाया है गेंद को, कमाल का शॉट फाइन लेग की दिशा में, और ये जाएगा छक्का. इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 17 पे खतरा रहता है. किस पे रहेगा ये खतरा वो आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी, कमाल का शॉट, जैसे ही गेंद शायद थोड़ी सी बाहर की ओर मिली, पूरा आवे हुए बल्लेबाज गेंदबाज पे. इसी तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है, लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेगा अगर ये मुकाबले में बना रहना है तो लुधरा इलेवन को, चामुंडा इलेवन लुधरा को, क्योंकि आसान सा रहेगा नहीं ये सब सफर. इस बार भी घुमाया, नतीजा वही का वही, लाजवाब शॉट, बेहतरीन छक्का, फाइन लेग की दिशा में बैक टू बैक लगने वाला दूसरा सिक्सर. गुडेस काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर से, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 23 पे. कमाल की बल्लेबाजी, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा दूसरा ओवर. दो ओवर के बाद फील्डिंग पाबंदियां जरूर हटेगी, क्योंकि इसके बाद भी 6 ओवर शेष रहेगी जरूर मानो के, लेकिन पूरे विस्फोटक मूड में यहाँ पर शैलेश बल्लेबाजी करते हुए, मानो के ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया. और आज तो शायद अगर मैच जीते नहीं तो पूरा यहाँ पर लुधरा गांव बैठा है. कल तो कोच शायद रिमांड पे लेंगे इनको, कोई स्टेशन में फूर के शायद फगा फगा के मारेंगे, इसीलिए शायद तेज तरार बल्लेबाजी कर रहे. फिर से नतीजा वही का वही है, बैक टू बैक तीसरी बार यहाँ पर फाइन लेग की दिशा में खेला. और ये क्या है, फोर है या सिक्स, ये वन बाउंस चौवा है. इस चौके के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 27 पे. शैलेश काफी विस्फोटक मूड में, काफी गलतियां करते हुए यहाँ पर गेंदबाज, देखा जाए तो ये काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर दूसरा ओवर. शैलेश विस्फोटक मूड में बल्लेबाजी करते, मानो कि आग उगलता हुआ शैलेश का बल्ला इस बार उड़ाया है, और शायद फील्डर ढूंढ लेगा ये गेंद, और शैलेश की फ्लाइट वापस. पुलिस को मिली सफलता जरूर, दोनों तरफ से तीसा तीस बुमा बूम धड़म धड़ हो रही है. यहाँ पर तीन बैक टू बैक बाउंड्री खाने के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी गोरस के द्वारा, कमाल की वापसी की जरूर यहाँ पर. राजू आए हैं, राजू वकील यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए. थोड़ा सा सल्लबाजी कीजिए भैया, यहाँ से अभी 5 मुकाबले अभी भी शेष है, अभी 5 तगड़े मुकाबले आने वाले बाकी, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिए. अच्छी तरीके से वो पता है बल्लेबाज को किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है. फिलहाल इस गेंदबाजी पे गोरस, गेंदबाजी पे, क्योंकि अच्छी गेंदबाज है लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए, और सफलता भी जरूर दिलाई है टीम को. इस बार उड़ाया है मिडिल विकेट क्षेत्र में, क्या होगा इस गेंद पे, और ये मिलेगा शिक्षा, कमाल का शॉट, बेहतरीन छक्का. वही छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 33 पे, और की समाप्ति दो ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 33 पे. दो विकेट का पतन हुआ है जरूर. कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी भी हो रही है, मानो की गेंदबाजी जितनी अच्छी हो रही है उससे अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है. दोनों टीमें अपना यहाँ पर रुतबा जोर दिखाती हुई, राजू भाई वकील ने यहाँ पर टूर्नामेंट में 6 शतक जड़ा था, जरूर अच्छे बल्लेबाज है. और आज डायमंड वाली जो कि ओपनिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज ओपनर आए नहीं है,
डाउन पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। उन्हें पता है कि इस तरीके से मुकाबले को अपने पक्ष में लेना है, अच्छी तरीके से जानते, काफी अनुभव है, लंबा छोड़ा अनुभव है डायमंड बाली के पास। उनके कोच काफी उनको संवारते सजाते हैं और सलाह मशवरा देते हैं, कभी कभी वक्त मिले तो कोच को, शायद इतना वक्त मिलता नहीं है कोच साहब को, लेकिन जब भी वक्त मिलता है तब जाके उनको समझाते हैं, सलाह मशवरा करते हैं उनके साथ बल्लेबाजों के साथ। इस बार फुल टॉस के अंदर पूरा फायदा उठाया मिड विकेट के क्षेत्र में कमाल का शॉट डायमंड बाली के बल्ले से। वही सके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 39 पे। प्रहलाद की पहली गेंद पे यहाँ पर डायमंड बाली के द्वारा दबाव डालने का प्रयास, निश्चित तौर से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। प्रहलाद अपनी बॉलिंग लाइन पे फिर से एक बार डायमंड वाली यहाँ पर सामना करेंगे। प्रहलाद की गेंद का हल्के हाथों से कट किया, रन का कोई नुकसान नहीं यहाँ पर, बड़ा कमबैक किया पर प्रहलाद के द्वारा, छक्का खाने के बाद बहुत ही बढ़िया वापसी, क्योंकि अभी मुकाबला यहाँ से तो काफी दूर है, लेकिन क्या विकेट चटकाने में यहाँ पर सफल हो गए प्रहलाद, फंसाएंगे डायमंड वाली या वकील साहब को। प्रयास जरूर, निश्चित तौर से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, क्योंकि सोच समझ कर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता जरूर यहाँ से। लंबा चौड़ा स्कोर बोर्ड है जरूर, लेकिन इस तरीके से मनोबल मजबूत रख के खेलना पड़ेगा। गेंदबाज को अच्छी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। इस बार जरूर यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता था डायमंड बाली का, एक बड़ी मछली जाल में फंसने वाली थी, लेकिन फंसते फंसते बची है, गेंद ड्रॉप हुआ है, ये काफी महंगा साबित होने वाला है। ये थर्ड मैन की दिशा में जाएगा चार रनों के लिए गेंद, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 43 पे, क्योंकि ये जीवनदान महंगा साबित होने वाला जरूर है। यहाँ से आने वाला वक्त जरूर बताएगा, लेकिन डायमंड बाली का कैच आपने ड्रॉप किया तो शादी आसान सा रहेगा नहीं। और वाइड का इशारा, निश्चित तौर से दबाव डालने का प्रयास है अंपायरों पे। इस वाइड के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 44 पे, झुकी निश्चित तौर से दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। सोच समझ के यहाँ पर बल्लेबाजी डायमंड के द्वारा, जरूर उन्हें भी पता है कि मैंने गलती की थी और ऊपर वाले ने मेरी गलती को माफ किया जरूर है, अब इस बार दोबारा गलती की आवश्यकता है नहीं, सोच समझ कर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि जरूरत है टीम को आज उनकी, और जब भी जरूरत पड़ती है तब काम करके दिखाते हैं डायमंड। इस बार लपेटा गेंद, कहा जाएगा, जाएगा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, कमाल का छक्का राजू वकील के बल्ले से और की समाप्ति सिक्सर के साथ, और इस छक्के साथ टीम का 50 रन मुकम्मल, 51 पे टीम का स्कोर बोर्ड। और पूरी टीम पूरे यहाँ पर सेटलमेंट के साथ आई है, कांबड़े बांबड़े तो लेकर आई, साथ गोलड़े भी साथ में लाई है, और प्रेक्षक काफी खुश दिख रहे हैं, काफी खुश है, मानो के चिल्ला रहे, चिखरा रहे, पता है डायमंड बाली और राजू वकील यहाँ पर बल्लेबाजी पे, जो कि डायमंड बाली के बल्ले से रन आने शुरू हुए तो रोकना नामुमकिन सा होगा डायमंड बाली को। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 51 पे, दो विकेट का नुकसान जरूर हुआ है, और नंबर चौथा यहां से शुरू होगा। अच्छी गेंद, अपील तेज तरार, लेकिन आत्मविश्वास से कम अपील, दोनों चौकर एम्पायर, नए गेंदबाज का नाम बता भैया, संजय पहुंचे गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उनके पास मिश्रण के साथ गेंदबाजी करने की क्षमता है। और कोच ने पहले ही सलाम मशवरा कर लिया है कि 15 सिक्सर ही लगाने हैं, और इस सलाम मशवरा के बाद यहाँ पर टीम उतरी है, काफी सोच समझ कर यहाँ पर कोच साहब ने उनको सलाम मशवरा दिया है कि इस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। और क्लीन बॉल किया डायमंड बाली की फ्लाइट वापस, एक बड़ी मछली यहाँ पर फंसी पूरी तरीके से,
और विकेट का पतन यहाँ पर डायमंड बाल की, जो कि दोनों तरफ से बुमा बूम चीशा चीज धड़ाधार हो रही है, लेकिन अब शांत हो गया चामुंडा इलेवन लुद्रा का खेमा पूरी तरीके से शांत, मानो के इस गेंद ने तो थप्पड़ मारा है। यहाँ पर एक शेर वापस लौटा, दूसरा शेर आ रहा है, विनोद पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। डेंगू ठंड के कारण आज पूरी तरीके से लोथपोथ हो गए, घर से फोन भी आ रहा है डेंगू के, जो कि अच्छी यहाँ पर सफलता क्लीन बॉल किया, चारों खाने चिप्त किए डायमंड बाल के, जो कि इस तरीके की शॉट की आवश्यकता थी नहीं यहाँ से, लेकिन आपा खो बैठे जैसे बुमा बूम चीसा चीस हो रही थी पीछे से, डायमंड माली आपा खो बैठे और विकेट का पतन हुआ है। विनोद आए बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा बैटिंग लाइनअप है उनके पास, लंबा चौड़ा कद यहाँ पर संजय का और लंबा चौड़ा रनर उनके साथ गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय इस बार विनोद को, क्या होगा इस गेंद पे, इस बार मानो की गेंद पे थप्पड़ मारा जरूर है और हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन सिंगल से संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 52 पे, क्योंकि डायमंड की फ्लाइट अभी अभी वापस पहुंची डगआउट में, तो ये चिंता का विषय जरूर है चामुंडा इलेवन लुद्रा के लिए। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी राजू को करेंगे, इस बार अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, लोबाप की दिशा में बेहतरीन शिक्षा और इस छक्के के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 58 पे जा पहुंचा है। कमाल की बल्लेबाजी राजू वकील के द्वारा, तारीफें करूंगा आज तो राजू वकील की, जो कि बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। संजय की अच्छी गेंदबाजी चल रही है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहां से तो थोड़े से महंगे साबित होते हैं। संजय अच्छी विकेट चटकाई थी यहाँ पर, डायमंड मालिक की बड़ी मछली जाल में जरूर फंसाई, लेकिन यहाँ से अब विकेट की तलाश में जरूर आएंगे। इस बार भी उड़ाने का प्रयास, निश्चित तौर से तेज धार प्रहार करने का प्रयास है, डायरेक्ट हिट और काम तमाम, लेकिन लगेगा नहीं डायरेक्ट हिट, काफी विकेट से दूर रहेगी गेंद। अरे सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 59 पे, चौथा ओवर प्रगति पे संजय का और विनोद लुद्रा चुकी स्ट्राइक पे, क्या होगा इस गेंद पे, लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी, लंबा चौड़ा रन पर संजय निकल पड़े है, उड़ाने का प्रयास जरूर आ रहा, हल्की सी अपील एम्पायर के द्वारा नकारा गया ओवर की समाप्ति। चार ओवर के बाद टीम का स्कोरबोर्ड 59 पे, तीन विकेट का नुकसान हुआ है यहां से। महाराणा प्रताप इलेवन के कप्तान और पालड़ी इलेवन के कप्तान टीम को उसके लिए पहुंचे भैया कमेंट्री बॉक्स में, महाराणा प्रताप इलेवन के कप्तान और पालड़ी इलेवन के कप्तान टीम को उसके लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में जल्द, ताकि ये मुकाबला तीसरा मुकाबला का टॉस हो जाए, जल्द से जल्द मुकाबला शुरू हो। भैया थोड़ी सी जल्दबाजी रखिए, इसके बाद भी पांच मुकाबले तगड़े हैं। लुद्रा के जो कोच है काफी वक्त से मैं उनको लुद्रा टीम के लिए सेवा देते हुए देख रहा हूँ, करीबन 7 साल से कोच बने हैं, 7 साल से लुद्रा टीम को सवारा है उन्होंने पूरी तरीके से, और अच्छी टीम है लुद्रा चामुंडा इलेवन लुद्रा। गेंदबाज का नाम बताए भरत भाई, भरत यहाँ पर गेंदबाजी पे सामना करेंगे राजू का फरत, जो कि राजू विस्फोटक मूड में दिख रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है राजू। भरत पहुंचे गेंदबाजी पे, थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाजी में, एक परिवर्तन के दौर पर भरत को बुलाया गया है, स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास और निश्चित दौर से वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद, माफ कीजिएगा।
इस बार खराब गेंद पूरी तरह से लॉन्ग लेग की दिशा में भेजा है गेंद को चार रनों के लिए, और इस चौके के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 64 है। कमाल का शॉट इस बार यहाँ पर राजू वकील के द्वारा, जो कि अभी तक राजू वकील यहाँ पर क्रीज पे काफी रन बटोर रहे हैं। महाराणा प्रताप 11 वर्सेस डॉक्टर 11 पारण के बीच ये मुकाबला। तेज तहार पहाड़ करने का प्रयास जरूर हुआ था लेकिन चूके, और ये तीसरे मैच का टॉस होने जाने वाला है। पालड़ी 11 ने पहले टॉस जीता है और कड़ा कूट करने का फैसला लिया जरूर मानो के। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, और इस टूर्नामेंट के पॉन्सराइज श्री शक्ति हार्डवेयर एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर डॉक्टर सुरेश भाई ठाकुर, वेस्ट इज दशरथ भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपू सी से मिलिए। इस टूर्नामेंट के ऑनर से साई कृष्णा हॉस्पिटल भाफर, कनू भाई डॉक्टर साहब बंसरी हॉस्पिटल घोषण हीरो शोरूम भाफर, भावेश भाई चौधरी रूनी, वसंत भाई तनवार सुई सुई गांव की ओर से, मारुति हॉस्पिटल भाफर, गजानंद ऑयल तेल जनकसी वाघेला कैंकर वाटर, जय चामुंडा क्लिनिक बाबर विक्रम भाई ठाकुर, प्रिंस हॉस्पिटल जतिन भाई परमार खीमड़ा। इस बार उड़ाया है पूरी तरीके से गेंद जाएगा छह रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोरबोर्ड उछलता कूदता भागता दौड़ता हिरन की तरह 70 पे। प्रिंस हॉस्पिटल डॉक्टर जतिन भाई परमार रॉयल फैशन प्लस सिद्धराज सिंह वाघेला, तुलसी ज्वेलरी एंड नोवेटी इंद्र सिंह वाघेला, शिवम लाइटिंग बाबर, श्री वसंत वीला बंगलोर जो की बुकिंग ओपन है आलिशान बंगलोर का, साई कृष्णा हॉस्पिटल बाबर, ब्यूमन फैशन अब निकेश खारा, प्रिंस हॉस्पिटल डॉक्टर जतिन भाई परमार, नरेश भाई जासनवाड़ा, श्री अर्बुदा एंटरप्राइज बाबर टप्पी ठक्कर देवधर गुजरात स्पोर्ट थरा कल्पेश भाई ठक्कर, मारुति हॉस्पिटल बाबर, हरिकृपा टेलर एंड वेल्डिंग वर्कर्स वसराम भाई पटेल, बंसी होटल एंड गेस्ट हाउस, जय बजरंग काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, जय चामुंडा क्लिनिक बाबर डॉक्टर विक्रम भाई ठाकुर, बंसरी हॉस्पिटल गोसन, डेविड फैमिली सलून दियोदर रॉयल केक बाबर विष्णु भाई चौधरी। साथ ही में इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सराइज कर रहे मैन ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी के दाता हैदर भाई सहयोग होटल खारा, बेस्ट बैट्समैन को ट्रॉफी देने वाले तखाजी खारा जय किशन स्टूडियो, बेस्ट बैट्समैन को बियर से सम्मानित करेंगे डीसा स्पॉट विपुल भाई, रनर्स अप टीम को रोकर 11,000 का इनाम प्रताप भाई चौधरी गोलवी की ओर से, चैंपियन ट्रॉफी के दाता जोशी राजूभाई चेंबुआ गांव के सरपंच, सदरान स्पोर्ट दियोदर नागदेर हेव सरुण अशोक भाई बेस्ट बॉलर को सम्मानित करेंगे, और खूबसूरत मधुर आवाज जो आपके कानों तक सुनाई देती है जोगमाया डीजे साउंड दियोदर। साथ ही में यूट्यूब लाइव ये मुकाबला चल रहा नेटवर्क फोटोग्राफी वाइड का इशारा, और साथ ही में तीन बड़े स्पॉन्सर वहां विधानसभा एमएलए गेनीबेन ठाकुर की ओर से 11,000 का रोकड़ इनाम विजेता टीम फाइनल विजेता टीम को देने वाले हैं। साथ ही में देवधर गांव के और देवधर विस्तार के देवधर एमएलए केसाजी चौहान और उनके सुपुत्र विक्रम भाई चौहान की ओर से 11,000 का रोकड़ इनाम, साथ ही में गांव के होनार और टैलेंटेड वकील साहब भरत भाई वकील की ओर से 5,100 रुपए का रोकड़ इनाम है, क्योंकि चैंपियन बनेगी टीम उनके लिए। कमाल की यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सभी ने की है। अच्छी गेंद थी हवा में, गेंद काफी वक्त तक रही, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 72 पे जा पहुंचा है। नए गेंदबाज का नाम बताए इतेश गेंदबाजी पे, क्योंकि अच्छे गेंदबाज है इतेश के पास, मिश्रण है गेंदबाजी में जरूर। राजू वकील यहाँ पर क्रीज पे अभी तक, खराब गेंद पूरा फायदा उठाया लॉन्ग लेग की दिशा में, कमाल का तगड़ा पार, कोच साहब काफी खुश, आज तो मानो कि कोच साहब काफी खुश दिख रहा है, काफी लय में दिख रहा है उनकी टीम, और 7 साल के कोच की सेवा दे रहे हैं, अभी निवृत्ति ले रहे हैं, शायद अगले साल निवृत्ति जाहिर कर देंगे, नया कोच आएगा, अभी बना रहना चाहते हैं, जब तक लुंड्रा चैंपियन नहीं बन जाती नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में तब तक बने रहेंगे, ये घोषणा की है अभी अभी उन्होंने। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 78 पे, थोड़े से इतेश यहाँ पर महंगे साबित होंगे जरूर। इस बार अच्छी गेंद और स्टंप में डाली हुई गेंद, बेहतरीन गेंद हवा में झूलती हुई गेंद सीधा आउटस्विंग होती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तान में, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इंडियन रेलवे लाजवाब सेवाएं देती हुई अपनी। इस बार भी तेज तहार रहा लेकिन फील्डर गेंद के पीछे
डायरेक्ट हिट का चांस जरूर था और ये शायद रन आउट का चांस बना है, लेकिन मौका गवा इस दुखे के साथ टीम का स्कोरबोर्ड ऐसी पे पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में ला के रख दिया है चामुंडा 11 लुंद्रा को। यहाँ पर राजू वकील ने क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजू वकील, क्योंकि उनके कोच बेहतरीन है तो टीम पूरी बेहतरीन होगी ही। तारीफें करूंगा कोच साहब की जो कि मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अभी तक बैठे हुए मजा ले रहे मैच का। हवा में गेंद राजू वकील और हितेश ने फंसाने की कोशिश की है और बड़ी मछली जाल में फंसाई है हितेश ने। मानो के यहाँ पर शायद काफी खुश होगी ये टीम, ये कैच लपका है जो कि वकील 11 नाथपुरा ने कमाल का कैच लपका, एक अच्छी फ्लाइट को वापस भेजा, बड़ी मछली जाल में फंसाई। छह ओवर का खेल समाप्त, छह ओवर के बाद टीम का स्कोरबोर्ड ऐसी पे 12 गेंदे 29 रन बनाने हैं, आसान सा रहेगा नहीं, पर क्या कौन कमाल करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैच का मजा लूटिए क्योंकि अच्छा कैच हितेश के द्वारा अपने फॉलो थ्रू में, कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी हितेश के द्वारा, बड़ी मछली जाल में फंसाई। अगर राजू वकील क्रीज पे खड़े रहते तो शायद आसान सा रहता नहीं। चार विकेट का पतन हुआ है जरूर यहाँ से, मुकेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और फिर एक बार संजय के हाथों में गेंद और नंबर दूसरा इनिंग का और नंबर सातवां लेकर पहुंचे अपने स्क्वेयर का दूसरा और डालने के लिए संजय पहुंचे। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी विनोद को करेंगे संजय। सातवां ओवर यहां से अब शुरू होने वाला है। चामुंडा 11 लुंद्रा पूरी तरीके से यहां पर फंसी। अब विनोद और शायद एक बड़ी मछली फिर से जाल में, विनोद की फ्लाइट वापस। 11 गेंदे 29 रन है, ये विकेट नंबर छठा डाउन होता हुआ यहां से, सॉरी माफ कीजिएगा, विकेट नंबर पांचवा गिरता हुआ। प्रकाश आया बल्लेबाजी पे क्योंकि आसान सा रहेगा नहीं। संजय अच्छे गेंदबाज है, विशन के द्वारा गेंदबाजी करते हैं संजय, क्योंकि एक बड़ी मछली विनोद को जाल में फंसा है और संजय अच्छे गेंदबाज प्रकाश सामना करेंगे संजय का, क्योंकि काफी लय में है संजय। उड़ाने का प्रयास जरूर निश्चित तौर से, हल्की सी मिस फील्ड और इस मिस फील्ड के चलते यहाँ पर क्या होगा। ये 4 रन के लिए गई है गेंद, 4 रनों के लिए गई है गेंद यहां से। टीम का स्कोरबोर्ड इस चौके के साथ 84 पे। संजय की अच्छी गेंदबाजी यहां से, पर थोड़ा सा फील्डरों ने साथ दिया नहीं, शायद ये चौका गया जरूर। इस बार तेज तहार प्रहार, गेंद ढूंढ लेगी फील्डर को और एक फ्लाइट वापस, प्रकाश के विकेट का पतन। गोरज के हाथों में गेंद जाएगी तो वापस बचने का कोई चांस है नहीं, मुश्किल है, दिक्कत है अब चामुंडा 11 लुंद्रा के लिए।
संजय की अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और इस ओवर से संजय ने ये दूसरा विकेट चटका है। जरूर एक चौका खाया है लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी संजय के द्वारा। मिश्रण से गेंदबाजी करते हुए संजय दिलीप पहुंचे अब बल्लेबाजी के लिए, जो कि आसान सा रहेगा नहीं दिलीप के लिए। और पूरा यहां पर लूद्रा का खेमा खड़ा हो गया है दिल धाम के। उड़ाने का प्रयास, हल्की सी अपील, आत्मविश्वास से यहां पर भरी हुई अपील है ये, तो एम्पायर के द्वारा नकारा गया है शायद फिलहाल, तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। दो एम्पायर सलाह मशवरा करेंगे यहां से क्या हुआ इस गेंद पे, सलाह मशवरा करेंगे दोनों एम्पायर। और नखारा गया अंपायर के द्वारा, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी संजय के द्वारा। तारीफें करूंगा संजय की, वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है अपनी टीम के लिए संजय। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तो यहां से, जो कि कमाल की गेंदबाजी संजय के द्वारा। एक बार राइट लेफ्ट टर्म और दो विकेट गेंदबाजी के लिए पहुंचे हैं। इस बार उड़ाया है हवा में गेंद, क्या फील्डर के पास जाएगी, और एक आसान सा गेंद ड्रॉप किया है यहां से और सिंगल से संतुष्ट। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 85 है। अभी मंजिल काफी दूर है, संजय पूरी तरीके से थके हुए लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि थकना मना है, डर के आगे जीत है। और उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए संजय बिना डरे हुए लड़ रहा है यहां पर संजय अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे मुकेश, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर गेंद निश्चित दौर से, और इस वाइड के अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोरबोर्ड 86 पे। पूरी तरीके से यहां पर दबाव में ला के रख दिया संजय ने चामुंडा 11 लुंद्रा को, और चामुंडा 11 लुंद्रा का खेमा दिल धाम के खड़ा हो गया है। पूरी तरीके से ये मैच किस तरफ जाएगा ये अभी कुछ वक्त बताएगा। कट किया, सिंगल चुराने का प्रयास यहां से, और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 87 पे। छह गेंदे 22 रन यहां से, आसान सा रहेगा नहीं यहां पर दोनों टीमों के लिए। कौन किस पे हावी होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल पूरी तरीके से फंसा मुकाबला ये। इस इनिंग का अंतिम ओवर, इस मैच का भी अंतिम ओवर, हितेश के हाथों में गेंद, कमाल के गेंदबाज हितेश सर सामना करेंगे हितेश का। मुकेश दिल ताम के बैठिएगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि सटरिया भर भर के यहाँ पर लुद्रा से प्रेक्षक आए मैच का मजा लूटने के लिए, काफी चिंतित रहेंगे। एक और छह गेंदे 22 रन की जरूरत, जो कि क्या होगा फिलहाल वक्त बताएगा। छह गेंदे 22 रन, आसान सा रहेगा नहीं है मुकेश के लिए। पहली गेंद लाजवाब गेंद, कमाल की गेंद यहाँ पर, तारीफे करूंगा हितेश की जितनी तारीफे करूं उतनी कम। पूरी तरीके से यहाँ पर दबाव में यहाँ पर चामुंडा 11 लुद्रा, इस बार उड़ाने का प्रयास और एक मछली जाल में और एक विकेट का पतन। अब आत्मविश्वास कम दिख रहा है बल्लेबाजों में, शायद पूरी तरीके से हथियार डाल दिए यहाँ पर चामुंडा 11 लुद्रा ने, पूरी तरीके से हथियार डाल दिए और मानो के मनोबल टूट गया है चामुंडा 11 लुद्रा का। शायद अब सतर ये पैक होके यहाँ से, जो कि डायमंड माली और राजू वकील चले नहीं आज, राजू वकील चलते तो शायद ये काम हो सकता था लेकिन उनकी विकेट जैसे ही गिरी उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरती गई। इस बार अच्छा शॉट लेकिन, और एक विकेट का पतन, रन आउट यहाँ पर 10 रन, क्या कमाल कर रहे हैं यहाँ पर, काफी खुश यहाँ पर गेंदबाज। क्या
आठवां करारा झटका लगता हुआ ये अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हितेश की, जो कि संजय की गेंदबाजी तारीफें करूंगा, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ से। तो इस बार लपेटा है, हवा में गेंद है, क्या होगा इस गेंद पे, अपने फॉरवर्ड रूम में गेंद लपकने का प्रयास लेकिन छोड़ा, जो कि कोई चिंता का विषय है नहीं यहाँ से, जो कि काम करना था वो कर चुकी है पूरी टीम यहाँ पर। वकील इलेवन नाथपुरा ने पूरा काम किया है अपना, मानो कि सिर्फ चामुंडा इलेवन लुंद्रा के लिए औपचारिकता शेष। इस बार फुलटोस गेंद, हवा में गेंद, काफी ड्राइव अच्छा, लेकिन गेंद लपक नहीं पाएंगे, गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 94 पे, जो कि अभी काफी दूर है यहाँ से। और पूरी तरीके से यहाँ पर मैच पूरा, और पूरी तरीके से वकील इलेवन नाथपुरा ने यह मुकाबला जीता, चामुंडा इलेवन लुंद्रा के शेरों को किया परास्त। अच्छा मुकाबला ये जीता मुकाबला, और हाँ डांडिये बिखेर के रख दिए धनंजय भाई, क्योंकि चामुंडा इलेवन लुंद्रा अच्छी टीम थी, लेकिन राजू झोला बल्लेबाजी में आए नहीं, शायद ये चिंता का विषय रहा है, आज झोला पहन के नहीं आए थे इसीलिए मैच आ रहे हैं शायद। जल्द फील्ड सजाए भैया, जल्द से जल्द फील्ड सजाए। लाल बेटावर, लाल बेटावर, बेहद ना लावा नू, बेहद